फ्रेंड्स हम बेसिक जो इंग्लिश के फंडामेंटल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट्स। अगर हम बेसिक की बात करें तो बेसिक में स्टार्टिंग में आएगा हमारा सेंटेंस। स्टूडेंट्स मैं आपको बिलिंगुअल लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा, तो सेंटेंस की अगर हम बात करें इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे? इसको हम हिंदी में बोलते हैं वाक्य। तो सबसे पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए कि सेंटेंस क्या होता है। जैसे जैसे आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, पहले कुछ क्लासेस आपकी बेसिक्स की होंगी और उसके बाद फिर हम डिटेल वर्जन में चलेंगे। ये जो बैच है स्पेशली एसएससी के लिए बना हुआ है, ठीक है। अब यहां पे समझना सेंटेंस क्या होता है, तो स्टार्टिंग कर रहे हैं हम इसकी डेफिनेशन से। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, सेंटेंस इज व्हाट? इट इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स। हिंदी में अगर हम बात करें तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे? शब्दों का समूह। सेंटेंस क्या होता है? शब्दों का समूह होता है जिसका एक बच्चे कंप्लीट मीनिंग होता है। कंप्लीट मीनिंग, अगर हम कंप्लीट मीनिंग को हिंदी में लिखें तो वो क्या होगा? जिसका एक पूर्ण अर्थ होता है। ध्यान से समझना, व्हाट डू यू मीन बाय सेंटेंस? सेंटेंस एक ऐसा शब्दों का समूह होता है जिसका एक कंप्लीट अर्थ या मीनिंग होता है। जैसे मैंने एक यहां पे एग्जांपल लिखा, राम हेल्प्स द पुअर। राम हेल्प्स द पुअर। अब देखो यहां पे मैंने एक, दो और तीन और चार, ये चार शब्दों का समूह है, लास्ट में एक फुल स्टॉप है। क्या इसका एक पूर्ण मीनिंग है? क्या एक इसका पूर्ण अर्थ है? बिल्कुल है। राम गरीबों की मदद करता है, इसका एक पूर्ण अर्थ भी है, शब्दों का समूह भी है, लास्ट में फुल स्टॉप है। तो बच्चे ये क्या होगा? ये एक आपका सेंटेंस होगा। अगर मैं यहां पे ऐसे लिख दूं, ही राम इज आर एम फुल स्टॉप। देखो बच्चे समझना, ये शब्दों का समूह तो हो गया, एक दो तीन चार पांच शब्दों का समूह तो हो गया, फुल स्टॉप भी हो गई, लेकिन क्या ये सेंटेंस होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसका कोई भी मीनिंग नहीं है। तो सेंटेंस का सबसे पहले ध्यान रखना है, ये शब्दों का समूह होता है जिसका एक कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए। अब दूसरी चीज बच्चे, अगर हम सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, यानी दो हिस्से होते हैं। पहले हिस्से को हम बोलते हैं बच्चे सब्जेक्ट, और दूसरे हिस्से को हम बोलते हैं प्रेडिकेट। ये बेसिक चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, तब कहीं जाके आप इंग्लिश में एक्सपर्ट बन पाओगे। तो जो पहला शब्द है वो क्या है? सब्जेक्ट। दूसरा है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन से समझ लो, व्हाट वी टॉक अबाउट। व्हाट वी टॉक अबाउट यानी के जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं बच्चे सब्जेक्ट। और नेक्स्ट है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट हम किसे बोलते हैं? व्हाट इज टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चे? प्रेडिकेट बोलते हैं। हिंदी में बात करें तो जो भी सब्जेक्ट के बारे में बताया जाए उसे हम प्रेडिकेट बोलते हैं। अब अगर आपको ये दोनों बातें क्लियर हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता क्या है, तो अब हम चलते हैं वापस इसी सेंटेंस पे, राम हेल्प्स द पुअर। तो सबसे पहले बेसिक से समझते हैं हम बात किसकी कर रहे हैं, किसकी बात हो रही है? राम की बात हो रही है। अगर राम की बात हो रही है तो जिसके बारे में हम बात करते हैं वो बच्चे क्या बनता है? वो बनता है हमारा सब्जेक्ट। वो क्या होगा? हमारा सब्जेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद राम के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन है? वो इंफॉर्मेशन है कि वो गरीबों की मदद करता है।
तो हेल्प्स द पुअर क्या हो गया हमारा, प्रेडिकेट हो गया। होप आपको यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब देखो मैं एक और सेंटेंस आपसे पूछ लेता हूं यहीं पे। मैंने यहां पे लिखा राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। अब इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखो। इस सेंटेंस में एक तो सबसे पहले बात किसकी हो रही है, राम की। तो राम हो गया बच्चे हमारा क्या, सब्जेक्ट। जिसके बारे में हम बात करते हैं वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट। इंफॉर्मेशन क्या है कि वो क्रिकेट खेलने लग रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा, प्रेडिकेट। अब यहां पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि प्रेडिकेट में एक मेन वर्ब आपको जरूर मिलती है। प्रेडिकेट में मेन वर्ब जरूर होती है। बिना मेन वर्ब के आप प्रेडिकेट का निर्माण नहीं कर सकते। कैसे समझना, मैंने यहां पे हेल्प्स लिखा हुआ है, ये आपकी मेन वर्ब है, ये प्रेडिकेट निर्माण हो गया। यहां पे देख रहे हैं तो इज हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग आपकी मेन वर्ब है। तो यहां से हमें क्लियर हो गया है कि प्रेडिकेट के निर्माण के लिए एक मेन वर्ब जरूर होनी चाहिए। अब यहीं से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम अगर यहां पे बात करें तो याद रखना है आपको, अगर कभी आपने दो सब्जेक्ट्स को किसी कंजंक्शन से जोड़ दिया, दो सब्जेक्ट को किसी कंजंक्शन से जोड़ दिया, तो बच्चे जो शब्दों का समूह बनेगा उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट। ध्यान से समझ लेना, अगर कभी हमने दो सब्जेक्ट को किसी कंजंक्शन से जोड़ दिया तो वो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा उसे हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड सब्जेक्ट। ऐसे ही बच्चे अगर हमने दो प्रेडिकेट को जोड़ दिया किसी कंजंक्शन के साथ, दो प्रेडिकेट को कंजंक्शन के साथ जोड़ दिया, तो ध्यान से समझना जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनेगा उन्हें हम बोलेंगे कंपाउंड प्रेडिकेट। उनको हम बच्चे क्या बोलेंगे, कंपाउंड प्रेडिकेट। होप आपको यहां तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर तुमने दो सब्जेक्ट जोड़े तो कंपाउंड सब्जेक्ट, दो प्रेडिकेट जोड़े तो उन शब्दों को समूह को हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड प्रेडिकेट। अगर ये बात क्लियर है तो आप एक बार इसका कंप्लीट आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इन चीजों को और फर्दर डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, अभी जो हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं अब उसी को हम फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे बच्चे मैंने यहां पे एक सेंटेंस लिखा, मोहन इनवाइटेड सोहन बट सोहन declined his invitation। मोहन ने सोहन को निमंत्रण पत्र भेजा लेकिन सोहन ने डिक्लाइन कर दिया, मतलब आने से मना कर दिया। अब देखो यहां पे ध्यान से, यहां पे हम देख रहे हैं तो स्टार्टिंग में हम मोहन की बात कर रहे हैं, तो मोहन हो गया बच्चे हमारा सब्जेक्ट नंबर वन। इसके बाद क्या इंफॉर्मेशन आई, मोहन इनवाइटेड सोहन, मोहन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है कि उसने सोहन को बुलाया है, तो ये हो गया आप अपना प्रेडिकेट नंबर वन। क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि जिसके बारे में हम बात करते हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसे हम प्रेडिकेट बोलते हैं। इसके बाद बच्चे एक आया हुआ है बट, ये होती है हमारी कंजंक्शन। और इसके बाद बात आ जाती है सोहन की, तो याद रखना सोहन की बात है तो सब्जेक्ट नंबर टू हो गया हमारा सोहन। अब इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है कि उसने आने से मना कर दिया, यानी ये प्रेडिकेट नंबर हो गया टू। हमें इस एक कंप्लीट सेंटेंस के अंदर ध्यान रखना, ये सेंटेंस दो नहीं, ये सेंटेंस एक है, यहां पे फुल स्टॉप लगा हुआ है, यानी जितने फुल स्टॉप उतने सेंटेंस होते हैं। अब इसमें ध्यान से समझना बच्चे, ये सेंटेंस के दो पार्ट हैं, एक में तो है मोहन इनवाइटेड सोहन, उसके बाद बट कंजंक्शन से जोड़ के हमने दूसरे पार्ट को जोड़ा सोहन डिक्लाइन हिज इनविटेशन। अब इसके अंदर कुछ चीजें मैं आपको पहले से बता देता हूं जो काम की हैं। जैसे हो गया डिक्लाइन, मना कर देना,
एक होता है डिनाई। डिनाई का और डिक्लाइन का अलग अलग मीनिंग होता है। देखो एक और शब्द होता है रिफ्यूज। रिफ्यूज होता है पहले ही मना कर देना। याद रखना डिनाई का मीनिंग होता है जब आप काम कर दो और काम करने के बाद जब आप उसको मना करते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिनाई बोलते हैं। जैसे अगर हम मोबाइल में देखें कई बार क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड आपका कैमरा ओपन हो जाता है तो उसमें लिखा होता है अलो और डिनाई, तो उसमें वो क्या पूछ रहा है, वो ये क्यों नहीं लिखता डिक्लाइन या रिफ्यूज, वो इसलिए लिखता है क्योंकि आपसे कैमरे का जो आइकॉन है उस पर क्लिक हुआ होगा, उसे पता है कि आपने कैमरे का जो एप्लीकेशन वो ओपन की है, लेकिन वो फिर भी पूछता है कि क्या आप इस चीज को हा में आंसर देते हो या ना में। कहने का मतलब है आप उसको एक्सेप्ट करते हो या रिजेक्ट, यानी जब आप काम कर दो और उसके बाद मना करो तो वो कहलाता है डिनाई। इसलिए ध्यान रखना बच्चे, इसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं परफेक्ट टेंस, क्योंकि जो परफेक्ट टेंस होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है रिजल्ट। ये मैं आपको टेंस वाले टॉपिक में समझाऊंगा। तो अभी के लिए आप वापिस चलते हैं। मोहन ने सोहन को बुलाया एक पार्ट, लेकिन सोहन ने आने से मना कर दिया, ये हो गया दूसरा पार्ट। और इन पार्ट को, यानी पार्ट नंबर एक और दूसरा है ये पार्ट नंबर टू, इनको हम बच्चे बोलते हैं क्लॉज। ध्यान से समझना, नेक्स्ट हमारा पार्ट आ चुका है क्लास में क्लॉज। क्लॉज को हम हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे, वाक्यांश, वाक्य खंड या वाक्य का हिस्सा। अब इसके अंदर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि क्लोज एक्चुअल में होता क्या है, इसकी डेफिनेशन समझो। क्लोज में आपको हम बात करें तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता है, शब्दों का समूह तो होता है, लेकिन ध्यान से समझना ये अधूरा सेंटेंस होता है, शब्दों का समूह लेकिन अधूरा सेंटेंस। मोहन ने सोहन को बुलाया, क्या ये कंप्लीट सेंटेंस है? बिल्कुल नहीं है, कंप्लीट तो वहां पे हो रहा है। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन अधूरा सेंटेंस है। लेकिन एक और चीज, इसमें आपको सब्जेक्ट भी मिलेगा, प्रेडिकेट भी मिलेगा। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा प्रेडिकेट, ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में एक मेन वर्ब है, यहां पर डिक्लाइन मेन वर्ब है, यहां पर इन्वाइटेड मेन वर्ब है। अब देखो ध्यान से समझना, क्लोज की अगर हम बात कर रहे हैं तो बच्चे क्लोज हमारी तीन टाइप की होती हैं, थ्री टाइप्स ऑफ क्लोज। पहली क्लोज होती है हमारी मेन क्लोज, दूसरी होती है हमारी कोऑर्डिनेट क्लोज, और थर्ड नंबर पे होती है हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आज की क्लास आपको लग रही है डेमो है, लेकिन मैं गारंटी लेता हूं यहीं से आपके कौन कौन से चैप्टर जुड़ेंगे। सबसे पहला चैप्टर जुड़ेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, दूसरा चैप्टर जुड़ेगा आपका क्लोज वाला टॉपिक जिसको हम कंडीशनल बोलते हैं, तीसरा टॉपिक आपका जुड़ेगा प्रेपोजिशन का, चौथा टॉपिक जुड़ेगा आपका जब हम कंजंक्शन की बात करेंगे। तो एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से जुड़े हुए हैं, इसलिए एक एक शब्द को ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। अब अगर हम मेन क्लोज की बात करें तो ध्यान रखना, मेन क्लोज वो क्लोज होती है जिससे पहले कोई भी कंजंक्शन नहीं होता, नो कंजंक्शन, यानी ऐसी क्लोज जिससे पहले कोई कंजंक्शन नहीं है उसे हम बोलेंगे मेन क्लोज। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, प्रिंसिपल क्लोज। देखो समझना, अब क्या ये क्लोज है, मोहन इनवाइटेड सोहन, बिल्कुल एक क्लोज है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, सेंटेंस का अधूरा हिस्सा है, एक मीनिंग भी है, मोहन ने सोहन को बुलाया। क्या इससे पहले कोई कंजंक्शन है? बिल्कुल नहीं है। तो ये क्या हो गई हमारी बच्चे, ये हो गई हमारी मेन क्लोज, क्योंकि इससे पहले कोई भी कंजंक्शन नहीं है तो ये हो गई हमारी मेन क्लोज। इसके बाद बच्चे है कोऑर्डिनेट। याद रखना, इसको याद करने के लिए एक ट्रिक इस्तेमाल होती है, वो होती है फैन बॉयज। फैन मीन्स पंखा होता है, बॉयज मीन्स लड़के होता है, आपको पता ही है। एफ से बनेगा बच्चे फोर, ए से बनेगा एंड, एन से बनेगा नोर, बी से बनेगा बट, ओ से बनेगा और, वाई से बनेगा येट, और एस से बनेगा सो। याद रखना स्टूडेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इंग्लिश ग्रामर।
सबसे पहले आपको याद रखना है ये जो फैन बॉयज की कंजंक्शन बनी है ये क्या करती हैं, ये निर्माण करती हैं कोऑर्डिनेट क्लोज का। कहने का मतलब है जिस क्लोज से पहले ये कंजंक्शन आएंगी उस क्लोज को हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट क्लोज। अब देखते हैं यहां पे लिखी हुई है बट, क्या ये बट कंजंक्शन यहां पे इसमें है, बिल्कुल ये रही। अगर ये बट कंजंक्शन यहां पे है तो ये जो क्लोज है ये कौन सी क्लोज होगी, ये होगी कोऑर्डिनेट क्लोज। तो ये जो क्लोज है ये हमारी हो गई कोऑर्डिनेट क्लोज। अब इसके बाद हमें मेन क्लोज का पता चल गया, कोऑर्डिनेट क्लोज का पता चल गया। इसके बाद सबोर्डिनेट कौन सी होती है, याद रखना फैन बॉयज की कंजंक्शन को छोड़कर जितनी भी कंजंक्शन बच गई सारी की सारी हमारी सबोर्डिनेट होती हैं और निर्माण करती हैं सबोर्डिनेट क्लोज का। तो अभी हमने तीन चीजों की बात की, मेन क्लोज, कोऑर्डिनेट क्लोज, सबोर्डिनेट क्लोज। रिवीजन करवा देता हूं, मेन क्लोज वो क्लोज होती है जिससे पहले कोई कंजंक्शन नहीं होता, कोऑर्डिनेट क्लोज वो क्लोज होती है जिससे पहले फैन बॉयज, फॉर एंड, नॉर, बट और, येट, सो ये कंजंक्शन आती हैं, और इनको छोड़कर बाकी सारी कौन सी, एक्सेप्ट किसको, फैन बॉयज को छोड़कर बाकी सारी आपकी कंजंक्शन कौन से होती हैं, सबोर्डिनेट, और निर्माण करती हैं सबोर्डिनेट क्लोज का। सेंटेंस से क्लियर करूंगा स्टूडेंट्स, कैसे, मैंने यहां पे लिखा मोहन वेंट टू द पार्क, मोहन वेंट टू द पार्क आफ्टर ही हैड डन हिज वर्क। मोहन वेंट टू द पार्क आफ्टर ही हैड डन हिज वर्क। देखो समझना, यहां पे स्टार्टिंग में हम मोहन की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट नंबर एक, वेंट टू द पार्क प्रेडिकेट नंबर एक। याद रखना आफ्टर कंजंक्शन भी होती है, प्रेपोजिशन भी होती है। यहां पे बच्चे काम कर रही है ये कंजंक्शन का, अगर ये कंजंक्शन है तो फिर ही आ गया हमारा सब्जेक्ट नंबर टू। इंफॉर्मेशन है ये had done his work, अपना काम खत्म करके मोहन कहां चला गया, पार्क में, तो ये हो गया प्रेडिकेट नंबर टू। अब आपने जो भी सीखा कितने हिस्से हैं, मोहन वेंट टू द पार्क एक क्लोज है, ही हैड डन हिज होमवर्क ये दूसरी क्लोज है, इन दोनों क्लोज को हमने आफ्टर कंजंक्शन से जोड़ दिया। अगर हम बात करें ये वाली क्लोज तो कौन सी क्लोज है, ये वाली वो क्लोज है जिससे पहले कोई कंजंक्शन नहीं है, तो मेन क्लोज ये कहलाएगी। इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं सेकंड की, तो सेकंड से पहले आफ्टर कंजंक्शन है, क्या इस कोऑर्डिनेट में आ रहा है, फैन बॉयज, फॉर एंड, नॉर, बट और, येट, सो, नहीं इसमें नहीं है, तो ऑटोमेटिक ये कोऑर्डिनेट नहीं, कौन सी क्लोज है, ये है बच्चे हमारी सबोर्डिनेट क्लोज। क्लियर है ये चीज। अब हमने ये सारी चीजें सीखी क्यों, ये आपका बेसिक है, आपको नींव मजबूत होगी तो ऑटोमेटिक घर बहुत अच्छा बनेगा, इसीलिए सारी चीजें आनी चाहिए। अब हमारा जो टॉपिक है ये हमने क्यों सीखा, इस वजह से सीखा क्योंकि हमने सेंटेंस के टाइप डिस्कस करने थे। तो ध्यान रखना बच्चे, अगर मैं यहां पे लिखूं, अगर तुमने मेन क्लोज को प्लस कोऑर्डिनेट क्लोज को जोड़ा, मेन क्लोज और कोऑर्डिनेट क्लोज को जोड़ा, तो जो सेंटेंस का निर्माण होगा उसे हम बोलेंगे बच्चे कंपाउंड सेंटेंस। क्या बोलेंगे, कंपाउंड सेंटेंस। लेकिन इसी तरह अगर आपने मेन क्लोज में सबोर्डिनेट क्लोज को जोड़ा, मेन क्लोज में सबोर्डिनेट क्लोज को जोड़ा, तो जो सेंटेंस का निर्माण होगा वो क्या होगा, वो कहलाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये हमारा कहलाएगा बच्चे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ध्यान से समझा आज हमने कि हमारे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, मैं क्या बोल रहा हूं, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हमारे तीन टाइप के सेंटेंस होते हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें आपको सब्जेक्ट मिले, प्रेडिकेट मिले, लास्ट में फुल स्टॉप मिलेगा। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा था, वो क्या, राम हेल्प्स द पुअर, और इस सेंटेंस में हमने क्या बात की थी, ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, तो ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस। अब इसके बाद देखते हैं इन दोनों को अप्लाई करके, ये मेन क्लोज है, ये कोऑर्डिनेट क्लोज है, तो ये कैसा सेंटेंस बना, ये बच्चे बना हमारा कंपाउंड सेंटेंस, इसको हम बोलेंगे कंपाउंड सेंटेंस। इसी प्रकार स्टूडेंट्स नेक्स्ट में चलते हैं, मोहन वेंट टू द पार्क मेन क्लोज, आफ्टर ही हैड डन हिज वर्क सबोर्डिनेट क्लोज,
मेन क्लॉज प्लस सबोर्डिनेट क्लॉज कैसा सेंटेंस बना? कॉम्प्लेक्स। तो ये क्या हो गया हमारा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। तो स्टूडेंट्स ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, ये नरेशन में भी काम आएगा आपके, जहां पे हम हर चीज को अच्छे से क्लियर करेंगे। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, इंग्लिश का सिर्फ बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका, उसी के थ्रू आप इंग्लिश का एसएससी सीजीएल सीपीओ सब इंस्पेक्टर हर एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। अब ये मैं कैसे बोल रहा हूं, मैं उन अध्यापकों में से नहीं हूं जिन्होंने कोई एग्जाम क्वालिफाई किया ही नहीं है, मैं ऑलरेडी क्वालिफाई हूं, 2 बार सब इंस्पेक्टर सीपीओ, इसके अलावा मैंने सीजीएल मेंस क्वालिफाई किया हुआ है, इसके अलावा स्टूडेंट्स मैंने यूजीसी नेट का फर्स्ट अटेम्प्ट में 2 बार क्वालिफाई किया हुआ है। तो आप मुझ पे भरोसा कर सकते हो, इंग्लिश में मैं आपको हर चीज बेस्ट दूंगा, सिर्फ आपके अंदर लगन होनी चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए। तो चलते हैं वापिस। तो स्टूडेंट अब आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हमने ये तो अभी तक पढ़े नहीं कि सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, हमने तो क्या पढ़ा है, हमने तो जी सेंटेंस पढ़े हैं जैसे इंटेरोगेटिव, अफर्मेटिव, सिंपल सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी, ये कौन से होते हैं? तो बच्चे ये सारे जो होते हैं ये होते हैं हमारे अकॉर्डिंग टू फंक्शंस। अभी मैंने आपको क्या सिखाया है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हमारे ओनली 3 टाइप के सेंटेंस होते हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। अब हम जब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि अकॉर्डिंग टू फंक्शन हमारे कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं। तो एक बार स्टूडेंट इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट्स अब तक हमने क्या डिस्कस किया है, हमने डिस्कस किया है कि अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हमारे 3 टाइप के सेंटेंस होते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चे अकॉर्डिंग टू फंक्शन हमारे कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं। देखो सबसे पहले तो आप लिख लो कि अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, ये आपको पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हमारे कितने टाइप के सेंटेंस है। स्टूडेंट्स सबसे पहला है हमारा सिंपल सेंटेंस, उसके बाद है हमारा कंपाउंड सेंटेंस, और फिर उसके बाद है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हमें क्या ध्यान रखना है, इसके बाद आता है हमारा अकॉर्डिंग टू फंक्शंस, अकॉर्डिंग टू फंक्शंस। तो ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, ये आपने बचपन में पढ़े भी होंगे, अकॉर्डिंग टू फंक्शंस हमारे 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं। कितने टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स? 5 टाइप्स के। तो पहला होता है हमारा असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस हमारे फिर से 2 टाइप के होते हैं, इसको हम सिंपल सेंटेंस ही बोल देते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने इसमें स्ट्रक्चर में लिख दिया सिंपल, तो इसको हम क्या बोलेंगे, असर्टिव। असर्टिव में हमारे 2 टाइप होते हैं, आपका सिंपल यानी पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जैसे मोहन गोज टू स्कूल, ये हो गया आपका पॉजिटिव सेंटेंस। नेगेटिव हो गया मोहन डज नॉट गो टू स्कूल, ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। तो जो हमारा पहला टाइप होता है स्टूडेंट्स वो कौन सा होता है, वो होता है हमारा असर्टिव सेंटेंस। इसके बाद जो सेकंड आता है वो आता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारा वो सेंटेंस होता है जिसमें आपको एक क्वेश्चन मार्क जरूर मिलता है, ठीक है, इस तरीके से। अब ये भी आपके 2 टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना। एक तो होता है यस नो क्वेश्चन और दूसरा होता है WH क्वेश्चंस। यस नो क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जिनके आंसर आपको हाँ या नहीं में देने होते हैं, जैसे डू यू लाइक क्रिकेट, क्या तुम्हें क्रिकेट खेलना पसंद है, क्या तुम्हें क्रिकेट पसंद है, तो यहां पे आपका आंसर हाँ या नहीं में होगा और ये अक्सर वर्ब से स्टार्टिंग होता है, जैसे यहां पे डू लिखा हुआ है। अब दूसरी चीज डब्ल्यू एस से कैसे क्वेश्चन होंगे, जैसे किसी ने पूछा वाई आर यू प्लेइंग क्रिकेट, कि आप यहां पे क्रिकेट क्यों खेल रहे हो,
अब इसका आंसर तो आपको डिटेल में देना पड़ेगा। आप कहोगे जी मेरे को सचिन जैसा बनना है इसलिए मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो आपको आंसर देना पड़ेगा। जब आप आंसर देना स्टार्ट करोगे तो क्वेश्चन होगा डब्ल्यू एच फैमिली से। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसके बाद ये दोनों हो गए, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद आएगा आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं ये स्टूडेंट्स होते हैं हमारे डायरेक्ट ऑर्डर एडवाइस या रिक्वेस्ट। तो स्टूडेंट ध्यान से समझना, जो हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस कौन सा होता है जिसमें हम डायरेक्ट ऑर्डर एडवाइस या रिक्वेस्ट करते हैं। जैसे नॉर्मल हम बोलते हैं रन, दौड़ो, और इसका जो सब्जेक्ट होता है स्टूडेंट्स वो कौन होता है, वो ध्यान रखना वो हमेशा यू होता है, क्योंकि हम जिसको ऑर्डर या एडवाइस देते हैं वो कौन होता है, वो हमेशा यू ही होता है। तो ये होता है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। इसके बाद आता है हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हमारा वो सेंटेंस होता है जिसमें हम एक्सक्लेम करते हैं, जैसे एक्सक्लेम ऑफ जॉय, सोरो, सुख दुख, ये जब आपको एक्सप्रेस करना हो, जैसे हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच, इन सभी को हम अगर एक्सप्रेस करना चाहते हैं या अलास, तो इनके साथ हम ऑप्टेटिव सेंटेंस के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फिफ्थ टाइप है वो है बच्चे ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस हमारे वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम विशेस करते हैं, तो वो सभी विशेस जो हम करते हैं उसको हम किसमें डालेंगे, उसको हम डालेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस में। तो आज के लिए हमने जो सेंटेंस का जितना भी टॉपिक था वो सारा कवरअप कर लिया है। आज हमने फिर से थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूं। हमने डिस्कस किया कि अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हमारे तीन टाइप के सेंटेंस होते हैं। पहला होता है सिंपल, सेकंड होता है कंपाउंड, और थर्ड होता है कॉम्प्लेक्स। ये होते हैं हमारे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। इसके बाद हमारा आता है फिर अकॉर्डिंग टू फंक्शंस। अकॉर्डिंग टू फंक्शन स्टूडेंट्स हमारे पांच टाइप के सेंटेंस होते हैं। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव हमारे दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके बाद आता है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसमें हम यस नो क्वेश्चन करते हैं और डब्ल्यू एच क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जिसका आंसर हमें डायरेक्ट देना होता है, जैसे डू यू लाइक क्रिकेट, और डब्ल्यू एच क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जिनका हमें डिटेल में आंसर देना पड़ता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो था वो था इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में हमारे डायरेक्ट ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट आते हैं, जैसे गो, रन, स्टॉप। इनमें ध्यान रखना जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा यू होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में हम अपने दुख सुख इनकी बात करते हैं, जैसे हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच, अलास, राम डाइड, ऐसे। तो इस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं एक्सक्लामेटरी। इसके बाद आता है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम अपनी विशेस और ब्लेसिंग्स को इंक्लूड करते हैं और ग्रीटिंग्स को इंक्लूड करते हैं स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हमने सेंटेंस का बेसिक डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में कल हम मिलेंगे और बेसिक जो इंग्लिश के कुछ अदर टॉपिक्स हैं उनको कवरअप करेंगे, और फिर उसके बाद हम डिटेल में चलेंगे हर एक टॉपिक को कवरअप करते हुए। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।